हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनली पोको M3 के बारे में। तो यहाँ पर पोको ने जो है वो यहाँ पर लीक कर दी है इसकी एक ऑफिशियल वीडियो, और यहाँ पर जो है वो पोको M2 का सक्सेसर आने वाला है पोको M3। बट यहाँ पर भी पोको अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, यहाँ पर भी रीब्रांडिंग का जो सिलसिला है वो फिर से कंटिन्यू करने वाली है पोको। तो क्या है ये सब माजरा है, क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, वो सभी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहे, काफी छोटा और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारे जो भी नए वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो स्मार्टफोन है पोको M3 वो शायद नहीं, यहाँ पर काफी हद तक कन्फर्म हो चुका है। और यहाँ पर इसकी जो रीब्रांडिंग है वो भी यहाँ पर जो कन्फर्म हो चुकी है, जो कि रेडमी नोट 10 जो अभी चाइना में लॉन्च होने वाला है, रेडमी नोट 10 और रेडमी नोट 10 5G दोनों की अंडर 5G में लॉन्च होने वाला है। जैसे कि वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन है, वैसे नोट 9 और यहाँ पे आएगा तो वो नोट 10 हो जाएगा, और जो नोट 10 है वो यहाँ पे आकर पोको A3 बन जाएगा। तो मतलब काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है, मैं आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 6.53 इंचेस की एक फुल HD प्लस की वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, वही बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कमाल की होगी। यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है वैसे। और उसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोसेसर की, तो चिपसेट तो इसके पहले यहाँ पर जो है कन्फर्म हुआ था Geekbench पे, जहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक ऑक्टाकर चिपसेट है, और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स भी देखने को मिलता है। हालांकि ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पुराना है, मतलब इतना भी ज़्यादा पुराना नहीं, बट इसके प्राइस टैग को देखें तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और बढ़िया भी है। वैसे आपकी क्या राय है वैसे इसके प्रोसेसर है इसमें, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। वैसे अगर हम यहाँ पर इसके रैम और स्टोरेज की बात करें तो जो बेसिक जो बेस मॉडल होता है 4GB रैम और 64GB वही आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ बैटरी इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा USP होने वाला है वैसे, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगी 6000mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी। हालांकि 6000mAh अभी तो हमें थोड़ी कम भी लगती है, क्योंकि जो सैमसंग है वो तो 7000mAh लेके आया था। तो मतलब अब लिटरली बैटरीज का तो मतलब कह नहीं सकते कि अभी कौन सी ब्रांड कितनी बैटरी ऑफर कर सकती है, बट बैटरी के साथ साथ चार्जिंग भी तो उतनी अच्छी होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर आपको चार्जिंग देखने को मिलती है 18 से लेके 22 वॉट के बीच में, आपको कौन सी भी चार्जिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि 18 वॉट या तो आपको 22 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है। वैसे यहाँ पर आपको 65 वॉट की देनी चाहिए थी, बट शायद नहीं देंगे। वैसे रियल में आपको प्रोवाइड करता है काफ़ी बजट कैटेगरी में, तो क्या पता अगर पोको दे देता है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। वैसे इसकी लॉन्च डेट जो है वो 24 तारीख को है। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पर कैमरा सेटअप की बात करें तो ऑब्वियसली कैमरा आपको ट्रिपल सेट देखने को मिलने वाला है। तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, और उसके साथ 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस है, और जो डेप्थ सेंसर है वो अब तक कंफर्म नहीं हुआ है कि वो 5 मेगापिक्सल का होगा या तो 2 मेगापिक्सल का। वैसे सेल्फी में भी अभी तक तो कोई कंफर्मेशन है नहीं, बट यहाँ पर अंदाज ही मोटा मोटा अगर हम यहाँ पर अंदाजा लगाए तो 8 या तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, इससे नीचे और इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइस टैग भी वैसे ही कुछ है। ये अराउंड आपको 10 से लेकर 11,000 के प्राइस टैग में देखने को मिलेगा, और देखा जाए तो काफ़ी एक बढ़िया स्मार्टफोन है ऐसी, और 10 और 11,000 की कैटेगरी में मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगता है। वैसे आपके क्या व्यूज़ है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तो इसकी लॉन्च डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आने वाली है, वैसे 24 तारीख को ये लॉन्च होने वाला है, तो देखते कि कितने ज़्यादा एक्साइटेड है वैसे आप लोग, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते कि इसमें और कौन से नए चेंजेस लेके आता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 के साथ आएगा, और बस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे जरूर पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे हमारे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।